हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमीर। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये सारी दुनिया आपकी है। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमराज मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाई पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 9 पार्ट्स कम्प्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अमीषा जी की और बॉबी दल की शादी की बात हो रही है, और यहाँ पर उनकी शादी 5 तारीख को फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर बॉबी दल के घर वाले बोल रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 महीने तक शादी कोई मुहूर्त नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स देयर आर नो डेट्स फॉर मैरिज। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स देयर आर नो डेट्स फॉर मैरिज। क्या सोच रहे हो बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ हो तो। यहाँ पर दादी माँ पूछ रहे हैं अमीषा जी से, वॉट आर यू थिंकिंग इफ यू हैव एनी रिजर्वेशंस। वॉट आर यू थिंकिंग इफ यू हैव एनी रिजर्वेशंस। नहीं दादी माँ, जैसी आपकी मर्जी। नो ग्रैंड माँ एज यू विश। नो ग्रैंड माँ एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। जरा पास आना बेटी। कम टू मी माई चाइल्ड, कम टू मी माई चाइल्ड। बहू इसकी नज़र उतारो। दादी माँ अपनी बहू से बोल रही हैं, निधि कास्ट अवे द एवल आई, कास्ट अवे द एवल आई। तुम तो ऐसे पर्दा कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देखने वाला हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नाइट है और अमीषा जी से बॉबी दिल बोल रहे हैं, शाय शाय यानी कि शर्माना। एज इफ यानी कि मानो। यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। एज इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर बॉबी दिल बोल रहे हैं अमीषा जी से, अगर ऐसे शर्माओगी तो दादी जी से मैंने जो उनके पर पोते का वादा किया है वह मैं कैसे निभाऊंगा। If you are so shy, how am I going to fulfill the promise I made to grandma? If you are so shy, how am I going to fulfill the promise I made to grandma? क्या हुआ, ऐसे घबराई हुई क्यों हो? What happened? Why are you so apprehensive? What happened? Why are you so apprehensive? राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राज, I must tell you something. राज, I must tell you something. ये रात कहने सुनने की नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए है। Tonight isn't for talking. Tonight is for love. Tonight isn't for talking. Tonight is for love. जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो। Whatever it is, tell me quickly. Whatever it is, tell me quickly. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। When I saw you for the first time, I took a liking to you. When I saw you for the first time, I took a liking to you. फिर तुम मेरे करीब आए और मैं खुशी से पागल हो गई। Then you came close to me and went mad with joy. Then you came close to me and went mad with joy. Friends, मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब भी कोई बात हो रही होती है तो आपको सब्जेक्ट अपने से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं खुशी से पागल हो गई, लेकिन यहाँ पर लिखा है went mad with joy। आई कहीं पर भी नहीं आया है। ये आपको अंडरस्टूड करना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आपको हर जगह सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे वाले सेंटेंस से लेकर चल रहे हैं तो आप सब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो सामने वाला अंडरस्टूड हो जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पर आपको went mad with joy यानी फिर आई went मैड विद जॉय कह सकते हैं। नेक्स्ट है, तुमने मुझे प्रपोज किया और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। देन यू प्रपोज टू मी एंड माई एवरी ड्रीम केम ट्रू। देन यू प्रपोज टू मी एंड माई एवरी ड्रीम केम ट्रू। लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देख के मुझे अपने कद का एहसास हो गया। बट योर स्टेटस मैड मी कॉन्सियस ऑफ माइंड। बट योर स्टेटस मैड मी कॉन्सियस ऑफ माइंड। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। आई वॉज ऑलवेज अप्रिहेंसिव लेस्ट लॉस यू। I was always apprehensive lest loss you. कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली। So I swore to myself, I took an oath. So I swore to myself, I took an oath. अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं एक महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूँगी। If I ever married you for a month after the marriage, I would stay a virgin. For me, it's a vow. Vow यानी कि मन्नत या फिर कसम बोल सकते हैं आप। But If it's against your wishes, I won't stop you because I am your wife. For me, it's a vow. But if it's against your wishes, I won't stop you because I am your wife. तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? How could you imagine I wouldn't heed you? How could you imagine I wouldn't heed you? आज से हम पति पत्नी हैं। आज से जिंदगी की हर बात का फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं बल्कि हमारा है। We are man and wife. Decisions we take about our lives aren't yours or mine. Only these decisions are ours. We are man and wife. Decisions we take about our lives aren't yours or mine. Only these decisions are ours. ये तो मेरी खुशनसीबी है कि हमारे मन का मेल तो हो गया। I consider myself fortunate. Ours has been a union of hearts.
आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट अवर्स हैज़ बीन अ यूनियन ऑफ हार्ट्स। रही तन की बात, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फॉर कंजमेशन वी हैव ए होल लाइफ अहेड ऑफ अस। फॉर कंजमेशन वी हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ अस। हो सकता है कि तुम्हारी मन्नत की वजह से ही आज तुम मेरे पास हो। इफ़ वी आर मैरिड मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर वो। इफ़ वी आर मैरिड मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर वो। करण, मैं प्रिया बोल रही हूँ। करण, दिस इज प्रिया। यहाँ पर अमीषा जी अक्षय खन्ना को फ़ोन लगा के बोल रही है, करण दिस इज प्रिया। अरे क्या हुआ, तुमने वापस फ़ोन नहीं किया, सब ठीक तो है? इज एवरी थिंग ऑल राइट, वाई आरंट यू रिटर्निंग माई कॉल्स। इज एवरी थिंग ऑल राइट, वाई आरंट यू रिटर्निंग माई कॉल्स। हाँ करण, हमारी शादी भी हो गई और तुम्हारी मन्नत वाली आइडिया भी कामयाब हो गई। आई गॉट मैरिड यस्टरडे, योर आइडिया अबाउट द वो वर्क। आई गॉट मैरिड यस्टरडे, योर आइडिया अबाउट द वो वर्क। उसने फौरन मेरी बात मान ली और मुझे छुआ तक नहीं। अमीषा जी बोल रहे अक्षय खन्ना से, ही एग्रीड ही डिडंट इवन टच मी। ही एग्रीड ही डिडंट इवन टच मी। मुझे तो पहले से ही यकीन था। आई वॉज श्योर इट्स वर्क, आई वॉज श्योर इट्स वर्क। इसीलिए तो मैंने मलेशिया में तुमसे खुले पैर रहने का ड्रामा कराया था। बैक इन मलेशिया दैट्स जस्ट वाई आई टोल्ड यू नॉट टू वियर शूज। बैक इन मलेशिया दैट्स जस्ट वाई आई टोल्ड यू नॉट टू वियर शूज। तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं अमीषा जी बोल रही हैं अक्षय खन्ना से, आई हैव टेकन जस्ट ए बिग स्टेप बिकॉज आई ट्रस्ट यू। आई हैव टेकन जस्ट ए बिग स्टेप बिकॉज आई ट्रस्ट यू। अब देखना मैं तुम्हें उससे तलाक भी कैसे दिलवाता हूँ। नाउ वेट एंड वॉच हाउ आई वर्क आउट अ डाइवोर्स। नाउ वेट एंड वॉच हाउ आई वर्क आउट अ डाइवोर्स। और इतनी दौलत मेरी जान के हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एंड विथ ऑल दैट मनी ऑल आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू। एंड विथ ऑल दैट मनी ऑल आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू। अच्छा तुम मुंबई वापस कब आ रही हो? वैन आर यू कमिंग बैक टू मुंबई। वैन आर यू कमिंग बैक टू मुंबई। सारी रस्में पूरी होते ही हम वापस आ जाएंगे। एज सुन एज द रिचुअल्स आर ओवर। एज सुन एज द रिचुअल्स आर ओवर। अच्छा करण, रखती हूँ कोई आ रहा है। समवंस कमिंग, समवंस कमिंग। आई एम हैंगिंग अप, मैं रखती हूँ। आई एम हैंगिंग अप। तू तो करोड़पति बन गया। यहाँ पर अक्षय खन्ना के एक फ्रेंड हो बोल रहा है पीछे से, यू आर बिकमिंग ए बिलेनियर्स। यू आर बिकमिंग अ बिलेनियर्स। क्या प्लान बनाया तूने? वंडरफुल प्लान, वंडरफुल प्लान। सोचो तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की तो बात है। लुक्स जस्ट लाइक यस्टरडे।